अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास DHA फिजिक्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी दूर है, गर्मी भी काफ़ी है, तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं DHA फिजिक्स। आप मेरे साथ सफ़र एंजॉय करें, गर्मी काफ़ी है, सफ़र भी नहीं किया जाता। इंशाल्लाह ये मेरी बाइक है और ये बस शदीद गर्मी में सफ़र कर रहा हूँ। अभी इस टाइम तकरीबन 2 बज गए हैं और धूप बहुत लगी हुई है। और आगे ये देखें, खाली है, खाली सड़क है, जिसकी वजह से कोई गर्मी की वजह से कोई बाइक ही नहीं निकलता। ये देखिए DHA के स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर कितने खूबसूरत घर बने हुए, कलरफुल। हम DHA में एंटर होने लगे हैं। ये DHA, हम DHA में एंटर हो गया है। इंशाल्लाह 5 मिनट का रास्ता रह गया, मैं बस अपने दोस्त के पास, फिर मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। दरअसल वो साइड पर गया हुआ है, तो मेरा भी काम वही है, तो मैंने सोचा चलो अभी मेरी स्टडी मुकम्मल नहीं हुई, तो चलो मेरे दोस्त के साथ मिल लें, थोड़ा काम वगैरह भी सीख लेंगे। अब जा रहे हैं उसके पास, जाके देखते हैं क्या काम कर रहा है और आपको भी मिलवाता हूँ। DHA की सड़कें चेक करें कितनी साफ है, यही तो मज़ा है DHA का, साफ सफाई। हमारे घर के पास ना दरअसल काला कोत है, उसकी वजह से हर वक्त बस करतो कबाड़। लेकिन ये DHA में ना मज़ा ही, लेकिन यहाँ पर लोग घर में ही बैठे रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते, घूमते फिरते ही नहीं हैं। हम दरअसल इस चीज़ के आदि नहीं हैं, जो लोग इस चीज़ के आदि हैं ना वो यहाँ पर रह सकते हैं। दिल तो बड़ा करता है यहाँ पर घर ले लें, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो लेंगे ना। ये देखें भाई साफ सफाई यहाँ पर DHA की, ना यही तो फायदा है। आर्मी के आर्मी की तरफ से ना यहाँ पर सफाई का ख्याल बहुत रखा जाता है, पर हमारे वहाँ पर सड़कों पे वैसे ही लोग कूड़ा वगैरह फेंक कर चले जाते हैं। भाई फाइनली मैं अपने दोस्त के दफ्तर पहुँच गया हूँ, तो अब उसको करता हूँ फ़ोन, तो ये रहा उसका दफ्तर। फाइनली मैं अपने दोस्त के दफ्तर पहुँच गया हूँ, तो उसको मैंने फ़ोन किया, वो कह रहा है बस 2-3 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। वो दरअसल ऊपर है तो वो नीचे आ रहा है, तो वो कह रहा है कि चलते हैं, तो जैसे आता है फिर मैं आपको मिलवाता हूँ। तो इंशाल्लाह उसका काम वगैरह भी देखेंगे अगर उस साइड पर गए तो। वो DHA वगैरह में घर वगैरह बनाता है ना, तो इस वजह से मैं कहा चलो हम भी देखेंगे, कल को हमने भी काम करना है। दरअसल मेरी भी फील्ड यही है ना, तो इस वजह से फिर मिलते हैं। फिर उसको अभी आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको मिलवाता हूँ, जो पीछे उनका दफ्तर है। ये मेरा दोस्त आ गया बाहर काफ़ी देर इंतज़ार करवाने के बाद, तो इंशाल्लाह अभी आपको थोड़ी देर तक साइड का विजिट भी करवाएंगे, तो मिलते हैं साइड पर आपको। गाइस ये इंजीनियर साहब कैंप में जाते हुए,
ये इनका प्लॉट तैयार हो रहा है। इंजीनियर साहब चले गए हैं चेक करने, काम सही कर रहे हैं कि नहीं। गाइस ये हम आ गए हैं दूसरी साइड पे और ये माशाल्लाह तैयार हो गया है। ये देखो ऊपर वर्कर लगे हुए हैं, इसका बस थोड़ा सा काम रह गया, जब ये तैयार होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। ये देखिए DHA का व्यू, ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, ये वर्करों का काम चेक कर रहे हैं इन्होंने सही किया कि नहीं। और ये देखें मिस्टेक आ गई, ये पैरागोलाज है, वो वहाँ पर प्लास्टर ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है। ये आपको देखने में भी ये इनका तो इशू है, ये हम दोबारा करवाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा इधर आ गया, यहाँ भी ये प्लास्टर में यहाँ पे ये जो है इसकी विड्थ वो कम है, इस साइड पर बहुत ज़्यादा, लिहाजा हम इसको भी दोबारा दें। अब हम यहाँ पे निशान लगा देंगे ताकि इसको दोबारा सेट किया जाए। ये किस चीज़ की जगह छोड़ी? ये ओपन स्पेस छोड़ी है एज अ वेंटिलेशन एज अ ड्राइंग और ये खूबसूरती के लिए। ये एक पोर्शन ये है एक ईयर एक नीचे वाली स्टेज पे है ताकि बाहर से आने वाले को साइड एलिवेशन इसका अच्छा नजर आए। इसके बाद यहाँ हमने ये टेरेस पे भी ये बनाया इसी तरह के, यहाँ पे हमारी लोअर्स लगेंगे और ये मुझे खूबसूरत लगे। इस साइड पे ये प्लम्बर ने एक ब्लेंडर मारा है कि ये जो एसी की ड्रेन है ये यहाँ से उसने इतनी लंबी लेंथ लगा कर कोई इसने अनएक्सपीरियंस बंदा ये यहाँ पे लेके आया ना कि इसने यहाँ से
बाय यहाँ से आके इस जगह में फेंक दो। तो इसमें हमारा मटेरियल भी बचना था और उसका टाइम जो है जो कि सबसे ज़रूरी है वो भी बचना, वो वहाँ पे प्लास्टर में फ़र्क है। जब भाई हमारे इंजीनियर साहब बिजी हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर रेत डलवानी है, तो वो रेत वाला आया था उससे ज़रा बात करना शुरू हो गया, तो इससे फारिग करते हैं फिर आपको मिलवाते हैं। अब मैं जा रहा हूँ घर, साइड से विजिट कर रहे हैं और मेरा दोस्त मेरे साथ जा रहा है घर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा दोस्त मेरे से आगे आगे जा रहा है, अब हम जा रहे हैं घर। गाइस अब हम जा रहे हैं घर, तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।